हाय। ओके दोस्तों, तो आपके सजेशंस पे, आपके कमेंट्स पे पूरा पूरा ध्यान है मेरा। मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ हर एक कमेंट को, और जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही हैं उन्हें मैं कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 2-3 वीडियोज़ ऐसे लिख ली हैं कि मैं किन पे वीडियो बनाने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स दिखे। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो कि किस पे वीडियो आने वाली है नेक्स्ट। आप अपना बता सकते हो कि आपका फेवरेट कौन सा है, कौन सा बढ़िया है, सजेस्ट कर सकते हो आप, और समझा भी सकते हो कि इस पर क्यों करना चाहिए। ठीक है, ऐसे रीजंस मिल जाते हैं। तो आज जिस OST पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका नाम है नमक हराम। क्रेडिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंगर हैं खुर्रम इकबाल, कंपोजर वकार अली, लिरिक्स सबीर जफर, और इस ट्रैक में फीचरिंग होने वाली है इमरान अशरफ और सारा खान की। मैंने आज तक इनका काम नहीं देखा, कोई ड्रामा मैंने इनका नहीं देखा, आज पहली बार इनका काम देखने वाले हैं। ठीक है, मज़ा आएगा देखने में। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे जंप करते हैं हम ट्रैक की ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो में। आप लोगों का काम यही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, एक बार चैनल को चेकआउट कर देना। कुछ दिन पहले से ही मैं OST कवर करने लग गया हूं, और मैं 3-4 ऑलरेडी कर चुका हूं, वो भी चेकआउट कर लेना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपको पता लगे कि इस चैनल पे क्या आ रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना जरूर चैनल को। बंद करो हाथ जोड़ के मैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर कुछ चाहिए हो तो। चाहिए हो तो मतलब वीडियो कोई चाहिए हो तो, नहीं तो कोई चीज़। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, देखते हैं एक बार। नमक हराम ड्रामा का नाम यही है, ऐसा नाम क्यों रखा है ये भी बताना अगर पता हो। आग से है कि ओ दुश्मनों के शहर को राख करके देख लेना, जो जुबां पे रख दिया वो नमक है इश्क का या नमक है जहर का। ओके, यही अपनी जंग रे, यही अपना जंग रे। वाह, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लिरिक्स अकॉर्डिंग टू स्टोरी लिखे होंगे, जो इस ड्रामा की स्टोरी है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। थोड़ा वो रॉक स्टाइल म्यूजिक नहीं लग रहा, वो इलेक्ट्रिक गिटार्स वाला, रॉक स्टार वाला। ना, नाइस। जहर मिला के नमक खिलाया, अरे जिसने किया था जीना मुश्किल, मैंने उसको जी के दिखाया, लेकिन वोकल्स बहुत ही सही है यार, लेकिन करते हैं एंड पे बात करते हैं। बहुत बढ़िया कंपोजिशन, डिफरेंट। Yeah, nice. शोले मूवी में गाना नहीं था बहुत पहले, उसकी याद आ रही है। Yeah, love this part. Yeah.
इंटेंस है यार ड्रामा की स्टोरी, काफी खतरनाक है, क्राइम थ्रिलर। ओके गाइस, तो ऐसे तो पूरा नहीं बता सकते कि एक परफेक्ट ट्रैक था, परफेक्ट नहीं था ठीक है। कुछ चीज़ें मुझे इसमें कमी लगी। पहली बात, कंपोजिशन ट्रैक की बहुत ही वेरिएशंस वाली थी, मुझे कंपोजिशन बहुत ही बढ़िया लगी। एक माइंडसेट था कि कोई डिफरेंट चीज़ बनाने का, कुछ एनर्जेटिक सा बनाने का, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो रॉक बैंड नहीं होते वो जो बजाते हैं इलेक्ट्रिक गिटार्स वाले, तो एक वैसा फील था गाने का। कंपोजिशन बहुत ही बढ़िया थी, और जो वोकल्स थे, सिंगर का नाम मैं फिर से भूल गया हूँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया वोकल्स इनके, बहुत ही अच्छे वोकल्स हैं ये। अगर सॉफ्ट गाना भी गाएं वो भी काफ़ी बढ़िया लग सकता है, ये भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। लेकिन थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा गैप वो कहाँ पर छूट गया, जिस अगर वो फेल हो जाता तो ये ट्रैक परफेक्ट गाना बन सकता था। म्यूज़िक में थोड़ी सी मुझे कमियाँ मिली, उतना उठ के नहीं आ रहा था। जितना पावरफुल कंपोजिशन थी, जितने पावरफुल वोकल्स उठ रहे थे, वहाँ पर उतनी पावरफुल म्यूज़िक नहीं था, उतना म्यूज़िक प्रोडक्शन में उतना दम नहीं था ठीक है। अगर म्यूज़िक भी पावरफुल होता, वो कहीं पर लूप होल्स, कहीं पर वो गैप ना होते, तो गाना बहुत ही बज के आता ठीक है, ज़्यादा पावरफुल लगता गाना। बाकी कंपोजिशन बहुत ही बढ़िया थी, वोकल्स काफ़ी सही थे, निभाया बहुत ही बढ़िया से वोकलिस्ट ने, लेकिन म्यूज़िक में थोड़े से रह गए ठीक है। विजुअल्स के बारे में बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस स्टोरी लग रही है ठीक है। आप लोग बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश आप लोग करना। और सबकी परफॉर्मेंस ही काफ़ी सही लग रही है, वाइब पता है क्या है ड्रामा की, वरना होता है ना कि किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, इसमें सीधे गोलियां चल रही हैं ठीक है। तो बताना आप लोग इसमें अच्छा शूट किया ये भी, और OST के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।